हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं आज आलू और सोयाबीन की ऐसी सब्ज़ी बनाऊंगी जो बहुत ही अलग तरीके से है। ये सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है खाने में, तो चलिए बनाते हैं इसे। तो इसे बनाने के लिए मैंने लिया है 1/2 किलो आलू जो बिल्कुल छोटे साइज में है। इसे मैंने उबाल करके रख लिया है। मैंने पूरी तरह से आलू को नहीं पकाया है, 75% ही पकाया है, देखिए। और ये बिल्कुल छोटे साइज के आलू हैं। और मैंने सोयाबीन लिया है 150 ग्राम, उसे भी मैंने उबाल करके उसका सारा पानी निचोड़ करके रख लिया है। और चलते हैं चूल्हे की तरफ। चूल्हा में मैंने एक कढ़ाई चढ़ाया है, उसमें हम डालेंगे तेल। और तेल जब गर्म हो जाए तो उसमें हम डाल देंगे आलू को। और आलू को अच्छी तरह से भून लेते हैं हम, जब तक ये आलू का कलर चेंज नहीं हो जाता। और थोड़ा सा इसमें हम नमक डाल देते हैं, 1/2 चम्मच के लगभग। देखिए आलू का कलर चेंज हो गया है, इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। और हम इसी तरह सोयाबीन को भी भून लेंगे। 1 चम्मच मैंने तेल डाल दिया है। मैंने सरसों तेल से ये सब्जी बनाई है। और सोयाबीन को भी हम जिस तरह आलू को भुने हैं उसी तरह सोयाबीन को भी हम भुनेंगे। देखिए इसका कलर चेंज हो गया है, इसे भी हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। और फिर से हम वही कढ़ाई में डालेंगे 1 चम्मच तेल। और तेल जब गर्म हो जाए तो उसमें हम डाल देंगे 1 प्याज जो मैंने काट करके रख लिया था। और इसे भी हम अच्छी तरह से भून लेते हैं, जब तक कि प्याज का कलर एकदम गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाए। और उसे हम निकाल लेते हैं प्याज को। और वही कढ़ाई में हम डालेंगे तेल। और तेल जब गर्म हो जाए तो उसमें डालेंगे 2 तेज़पत्ता, 2 लाल मिर्च और 1 चम्मच मैंने जीरा, खड़ा जीरा डाल दिया है। सारी चीज़ें पकने के बाद इसमें हम डाल देते हैं प्याज। 1 प्याज मैंने काट करके इसमें डाल दिया है। अब इसमें जाएगा हल्दी पाउडर। टेस्ट के अनुसार इसमें हम नमक डाल देते हैं। देखिए प्याज बिल्कुल भुन गई है। अब इसमें जाएगा अदरक और लहसुन का पेस्ट। मैंने 8-10 कलियाँ लहसुन का और अदरक पेस्ट बना करके रख लिया था। 1 चम्मच मैंने भुना हुआ जीरा डाल दिया है। 1 चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च। सारे मसाले को अच्छे से तरह से हम पका लेंगे। और 1 चम्मच मैंने इसमें काली मिर्च पाउडर डाल दिया है। और 1 टमाटर मैंने पीस करके डाल दिया है। आप चाहे तो टमाटर को काट करके भी डाल सकते हैं। मसाले का कलर बिल्कुल चेंज हो गया है, ये पक गई है। अब इसमें जाएगा आलू और सोयाबीन जो मैंने भुन के रखी थी। मसाले के साथ आलू और सोयाबीन को अच्छी तरह से हम भून लेंगे। और मैंने जो एक प्याज भून करके रख लिया था उसे मैंने पीस लिया है मिक्सी जार में, देखिए। और उसे भी हम डाल देंगे सब्जी में। इस तरह प्याज को भून के पीस के डालने से सब्जी का कलर बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। आप सब एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए इस तरह। ये सब्जी थोड़ी तो मेहनत लगती है बनाने में, लेकिन जितनी मेहनत लगती है उससे कहीं ज़्यादा खाने में टेस्टी लगती है। देखिए भुन गई है सब्जियाँ। अब इसमें हम ग्रेवी के लिए गर्म पानी डालेंगे और 10 मिनट के लिए हम इसे ढक के पका लेते हैं। 10 मिनट के बाद देखिए सब्जी में उबाल आ गई और इसका कलर भी कितना ज़्यादा टेस्टी लग रहा है देखने में। ये सब्जी आप पराठे, पूड़ी या चावल किसी के साथ भी खा सकते हैं बना के। सोयाबीन की सब्जियां तो कई तरह की बनती है, आप सभी एक बार इस तरह से बना के जरूर खाइए। लास्ट में इसमें हम ऐड करेंगे 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर। और गैस की आंच को हम बंद कर देते हैं। बिल्कुल बन के रेडी हो चुकी है सब्जी। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। सब्जी बिल्कुल बनके रेडी हो चुकी है। कितना टेम्प्टिंग और टेस्टी लग रहा है ये सब्जी देखने में। जितना टेस्टी ये सब्जी देखने में लग रही है उतना उससे कहीं ज़्यादा ये सब्जी खाने में भी टेस्टी लगती है। तो बनके रेडी है हमारे आलू सोयाबीन की सब्जी ग्रेवी वाली।
उम्मीद है आप सभी को ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगी। तो मिलते हैं और एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।